मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मंगलवार को प्रसिद्ध देवी धाम सलकनपुर मंदिर पहुंची। ग्रहण होने के कारण मंदिर के कपाट बंद होने की वजह से पूरी रात्रि शिव मंदिर पर भक्ति में लीन रही। उमा ने सुबह मां विजयासन की पूजा अर्चना कर दर्शन किए। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि मेरे मन की इच्छा थी मां विजयासन के शिखर के दर्शन करूं। पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर का स्थान मुझे बहुत अच्छा सुंदर लगा। रातभर वहीं रहकर साधना की। उन्होंने कहा कि 2023 में कांग्रेस का सुपड़ा साफ जाएगा। कांग्रेस 30 सीटों पर सिमट जाएगी। उमा ने कहा कि पूरा देश भाजपा में मोदी में हो गया है। देश प्रदेश में कहीं कांग्रेस बची नहीं है। क्या हुआ कि कल चंद्र ग्रहण के बाद मुझे अचानक इच्छा हुई कि भगवती के दर्शन करना है। मुझे ये जानकारी थी कि 8 बजे तक पट बंद हो जाएगा जी, क्योंकि मैं हवन करके चली थी तो वहाँ से चली ही 7:30 बजे जी। लेकिन मैंने कहा था मैं शिखर दर्शन कर लूँगी जी। मैंने शिखर दर्शन किया, फिर मेरे रात को वो जगह, ये जगह मेरे लिए रात से ही तय थी, लेकिन मैंने कहा वहीं रहूँगी जी। मुझे, मैं बहुत सुंदर जगह पर रही, और अभी मैंने उपाध्याय जी को कहा कि मेरे लिए वहाँ कुटिया बना दीजिए। बताइए आप। हम बता ही देते हैं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ समझिए कि 20 सीटें भी नहीं आने वाली जी। जो स्थिति पूरे देश में बन गई है, आज पूरा देश भाजपामय हो गया है, मोदीमय हो गया है, और जो काम हुए हैं मोदी जी की सरकार के वो काम हुए हैं जो जन की आकांक्षा थी। इसलिए आपको यहाँ बचा ही नहीं है कुछ, कहीं भी नहीं बचा देश में, कहीं कुछ नहीं। माँ नहीं रखा, वो नाम नहीं रखा है माँ दीदी, नाम तो मेरा हुआ श्री बाल्टी रहेगा जी। जो संन्यास दीक्षा पे हो गया जी। संबोधन में क्या है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम आने लगी थी। एक तो इतने लोग बुआ मौसी सब बोलने लगे थे, तो वो मुझे ठीक विद्या से अगर महाराज से मैंने नहीं कि उन्होंने मुझे कहा कि आपको ना रिलेशनशिप से संबंधित संबोधन नहीं होना चाहिए। जैसे आपके शिवराज जी मुझे दीदी माँ बोलते हैं जबकि मुझसे बड़े हैं 1 साल, लेकिन अगर फ़ोन करेंगे तो दीदी माँ कहते हैं। प्रहलाद जी भी तो ये लोग तो दीदी माँ बोलते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं वो जानते नहीं हैं, तो वो रिलेशनशिप से संबंधित नाम से एड्रेस करते हैं मुझे। तो उसको ख़त्म करने के लिए मैंने वो ट्वीट किया, वो विद्याधर का महाराज ने कहा था कि एक बार सबको कह दो, एक बार दीदी माँ बोले आप। सीहोर से EMS शिविर के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट।